नेशन अभी भी एक बड़ा टूल है शहजाद। कांग्रेस ये कह रही है कि अभी भी देश में 23 मिलियन पर डे वैक्सीनेशन की रफ्तार होनी चाहिए, जो अभी करीब 7 मिलियन पर डे से भी कम है। और वो आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि नए वेरिएंट को लेकर आपने क्या तैयारी की है, जीनोम सिक्वेंसिंग की क्या तैयारी की है। वो कह रहे हैं आपने क्या स्क्रीनिंग मशीन अभी से शुरू कर दी है, स्क्रीनिंग मैकेनिज्म बताइए जरा देश को भी, और कांग्रेस पार्टी के इन आरोपों का जवाब भी दीजिए। सरकार क्या कर रही है और वैक्सीनेशन की रफ्तार ओमिक्रॉन को देखते हुए क्या बढ़ाई जाएगी अब? देखिए गौरव जी, कम से कम ऐसे विषय जो होते हैं ये राष्ट्रनीति के विषय होते हैं, इस पर राजनीति और ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। पर क्योंकि कांग्रेस के युवराज ने कुछ सवाल पूछे हैं तो मैं कांग्रेस के युवराज को ज़रूर जवाब दूंगा। आज देश में आपने सही बताया 121 करोड़ टीके लग चुके हैं, 82% लोगों को पहला डोज मिल चुका है। आपको याद होगा कि जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई जनवरी में, और जनवरी से लेकर आज हम लोग जो नवंबर से दिसंबर की ओर बढ़ रहे हैं, इतने कम कार्यकाल में यूनाइटेड स्टेट्स जैसे संपन्न राज्य ने या संपन्न देश ने केवल 40-42 करोड़ लगाए हैं। हमने 120 करोड़ टीके लगा दिए हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन और तमाम जो बाकी के डेवलप्ड नेशंस हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। आज यूनाइटेड स्टेट्स की तुलना कर दीजिए कि 1 लाख केस प्रतिदिन वहाँ पर मिल रहे हैं, वहाँ पर 7.5 लाख मौतें हुई है, और अगर आप देखें डेथ्स पर मिलियन की अगर तुलना करें तो यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा आगे है, जबकि भारत की वन ऑफ द लीस्ट डेथ्स पर मिलियन की संख्या है। और अगर आप देखेंगे कि हमने 3 गुना ज़्यादा टीके लगाए, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ने हमसे 1 महीने पहले शुरू की थी टीकाकरण की नीति। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी के सवाल पर। कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के बीच अब ये सलमान खान को उतार रहे हैं। क्यों उतार रहे हैं? क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी रही। और क्यों रही? क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, शशि थरूर, जयराम रमेश, इनके जो झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने किस तरीके के बयान दिए कि ये तो लैब के चूहे पर टेस्टिंग हो रही है। अरे ये कोवैक्सीन से देखिए कुछ सवाल पर आएंगे, लेकिन पहले जो मूल सवाल है उस पर आते हैं। गुरदीप जी, आपने शहजाद को सुना। सवाल यह है कि यहाँ पर अगर 120 करोड़ डोजेस लगाई जा चुकी हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी रफ्तार आप देख सकते हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो अमेरिका से भी अच्छा है, तो कांग्रेस पार्टी को इसमें पॉलिटिक्स क्यों करनी आ रही है? कांग्रेस पार्टी इसमें पॉलिटिक्स क्यों कर रही है? देखिए, शब्द आपके हैं कि पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, क्योंकि अभी हम दूसरी वेव की त्रासदी से उभरे हैं। लाखों लाख लोगों ने अपने प्रियजन खोए हैं, और अगर तीसरी वेव आती है तो उसका मुकाबला सभी पार्टियों को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को मिलकर करना है। ये बात पॉलिटिक्स से परे है। शहजाद ने भी यही बात बोली, लेकिन अपना जवाब राजनीतिक दिया। मैं नहीं दूंगा राजनीतिक जवाब। राहुल गांधी जी ने आज बात क्यों उठाई? वो कांग्रेस ने नहीं उठाई है, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम दिसंबर तक 186 करोड़ डोज लगा देंगे। अब हम दिसंबर तक पहुंच गए हैं और एक तिहाई पीछे हैं। 121 करोड़ है, 186 करोड़ का 2/3 बनता है, यानी कि आप टारगेट से बहुत पीछे हैं। ये हमारा आरोप नहीं है, ये केंद्र सरकार की प्लानिंग थी जिसको हम बता रहे हैं देश को। दूसरी बात आप ये देखिए कि केंद्र सरकार को ये चाहिए कि अब तीसरी दौर की वेव की तैयारी के लिए वो ट्रांसपेरेंटली देश को साझा करे इंफॉर्मेशन। नहीं तो क्या करें? जैसे बच्चों की वैक्सीन क्या करें? वो अभी सोशल डिस्टेंसिंग, वो मास्क, जिसकी बात सब करते हैं, क्या करें? मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप बीच में काटेंगे नहीं, आपने किसी को नहीं काटा। काट नहीं रहा हूं, मैं सवाल आपको जोड़ रहा हूं, आपके जवाब नहीं, आप बोलिए। मेरी बात पूरी होने देंगे तब आप अपनी बात रखिएगा। देखिए, बच्चों की वैक्सीन शुरू नहीं हुई है। आखिरी जो बयान आया था वो 20 अगस्त को आया था, जो NIV पुणे की डायरेक्टर हैं प्रिया, जो ICMR की लैब है, उनकी तरफ से आया था सरकार की ओर से कि सितंबर में बच्चों की वैक्सीन शुरू हो जाएगी। अब शहजाद मुझे ये बता दें कि क्या उसके बाद कोई कम्युनिकेशन देश के साथ हुआ है? और अगर नहीं हुआ है तो मैं ये सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इसको आरोप नहीं बोलूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हेल्थ मिनिस्ट्री को अब 2-3 चीजें जरूर करनी चाहिए। मैं इसका जवाब दे रहा हूं गुरदीप जी, प्लीज। एक मेरी बात पूरी हो जाए, शहजाद एक मिनट पूरी हो जाए, जल्दी से 10 सेकंड में पूरी कर रहे हैं जी, मुझे समय दीजिए, बात पूरी कीजिए। दो तीन बातें जरूरी हैं। एक कि देखिए, जो वैक्सीनेशन अभी छूट गई है उसको करना जरूरी है, और कम इसलिए नहीं हुई कि कोई मुसलमान नहीं लगा रहे हैं, कोई हिंदू नहीं लगा रहे हैं, इसलिए कम हुई है क्योंकि अभी तक जो केंद्र सरकार की प्लानिंग थी उसके हिसाब से कोवैक्सीन के 40 करोड़ डोज मिलने चाहिए थे, सिर्फ 14.5 करोड़। चलिए अभी जवाब लेते हैं, गुरदीप जी समय कम है, देखिए टीवी में टाइम कम होता है, सबके पास जाना है। आपकी बात समझ में आ गई, शहजाद जवाब दीजिए, और शहजाद ये भी जवाब दीजिए कि करना क्या चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग का मंत्र आज भी दिया गया, हो रहा है फॉलो, वो बताइएगा जी।
देखिए जहाँ तक सवाल है मुसलमानों की बात मैंने नहीं उन्हीं की महाराष्ट्र की सरकार ने की, जहाँ तक सवाल है चिंता करने की कोरोना के विषय में तो गुरदीप जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि आज के एक्टिव केसेस पूरे देश में 1,00,000 है, एक्टिव केसेस की बात करूँ, वैसे केस 8,000 है, इन एक्टिव केसेस में से 60,000 से ज़्यादा केस दो राज्यों से आ रहे, केरल और महाराष्ट्र। आपको याद है कुंभ मेले को लेकर क्या क्या प्रचार प्रसार किया गया था, उत्तर प्रदेश को लेकर कांवड़ यात्रा को लेकर क्या क्या प्रचार प्रसार किया था, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़, वहां पर 5 केस से कम है, और जिस केरल की जनसंख्या, लेकिन ये तो आप, ये तो सरकार ही कहती है ना कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए। मैं एक तस्वीर दिखाऊं शहजाद, नहीं सुनिए, एक तस्वीर दिखाऊं, जरा तस्वीर दिखाइए, पॉलिटिकल रैलियां जो हो रही है उत्तर प्रदेश में, आप कर रहे हो, कांग्रेस कर रही हो, कोई पार्टी कर रही हो, वहां कहां है सोशल डिस्टेंसिंग? ये देखिए, ये कांग्रेस की रैली, ये बीजेपी की रैली, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बताइए, आज भी बोला गया कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए। गौरव जी मैं बात रख सकता हूँ? बोलिए। हाँ हाँ गौरव जी सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य लग के देखिए, प्रधानमंत्री ने जब भी बात रखी है, आपको याद होगा डे वन से प्रधानमंत्री ने एक परिवार के बुजुर्ग की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह हमेशा कहा दवाई भी कड़ाई भी, मतलब आपको दवाई तो मुफ्त दे रहे हैं, टीका तो मुफ्त हम दे रहे हैं, इन तमाम कांग्रेसी जिन्होंने वैक्सीन हेजिटेंसी फैलाई इसके बावजूद भी हम आपको सुनिश्चित कर रहे कि आपको टीका मिले, परंतु आपको मास्क उतारना नहीं है और आपको सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है, और ये जो बात है इसको सुनिश्चित करने का काम बता दी, एक तस्वीर दिखा रहा हूं, उस तस्वीर पर जवाब दीजिए मुझे, समय कम है शहजाद, सबके पास जाना है शहजाद, मैं बीजेपी की रैली के विजुअल्स दिखा रहा हूं, कांग्रेस की रैली के विजुअल्स दिखा रहा हूं, इस तस्वीर में एक आदमी दिखाइए जो मास्क पहन के बैठा हो। गौरव जी आपको याद होगा हेल्थ मिनिस्ट्री की कई बार पीसीज हुई, तो चाहे भाजपा का राज्य हो कांग्रेस का राज्य हो, जहां पर भी ये फ्लाउट हो रहे हैं नॉर्म्स, वहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने टीम भी भेजी है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन भी भेजा है कि आप इसको लागू कीजिए, तो किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं किया, हम तो चाहते कि सभी लोग इसको फॉलो करें, पर मेरा एक मूल सवाल जो अब ये जो नए वेरियंट को लेकर है, नए वेरियंट को लेकर आज ही आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की रैली में अगर 2,00,000 लोग आ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, वो मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं कहती कि भाई आप मास्क क्यों नहीं पहनते, रैली में आइए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, पार्टी की रैलियों में वैसे इंतजाम क्यों नहीं होते कि लोगों के बीच 6 फीट 2 गज की दूरी रहे? जी ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक लौती ऐसी पार्टी है जिसने सारे नियमों का पालन करते हुए रैलियां करवाई, आपको याद है राहुल गांधी केरल में पूरा चुनाव संपन्न करने के बाद जब खुद शायद उनको कोरोना हो गया था, उनको खुद मौजूद था जो आप ही एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वहां पर जिसका शिलान्यास हुआ, और वहां पर देखिए एक सेकंड गौरव जी वो विजुअल दिखा रहे हैं हम, क्योंकि व्यूअर हमें पूछ रहे हैं, वो विजुअल हम दिखा रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं, परसों जो रैली हुई, तो मैं कह रहा हूं देखिए ऐसा है गौरव जी जहां तक बात है सामाजिक दूरी बनाकर रखने की, मास्क पहनने की, हमारी पार्टी की ओर से निर्देश है कि सभी को यह पालन करना है और यह देश के लिए है, और देश में अगर कहीं पर भी ऐसी चूक हो रही है तो वहां की राज्य सरकारें उपयुक्त कार्रवाई, ये कांग्रेस का है बीजेपी का है, यह न देखते हुए समाजवादी पार्टी की, हर पॉलिटिकल पार्टी जो आज प्रचार कर रही है किसी भी राज्य में, सबका यही हाल है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।